तो हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले शंकर ब्लॉग चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत। तो व्यूअर्स, आज मैं आ गया हूँ टाइसन पेट शॉप में। जैसे कि आप लोग देख रहे हो दो शॉप का नेम, इसके पहले बार जब मैं टाइसन डॉग सेंटर का वीडियो बनाया था तब ने आप लोग ने बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया था वीडियो के ऊपर। तो इस बार भी बहुत ही अच्छा से आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए एंड वीडियो में बना रहिए। आज मैं आप लोग को सबसे ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में डॉग्स देखने वाला हूँ एंड बहुत सारे डॉग्स अवेलेबल हो जाएंगे भैया के पास। तो सर्दी के वजह से सब डॉग्स को भीतर में रखे हुए हैं भैया। तो दोस्तों, मैं आप लोग को और एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो भैया है जो शॉप में मैं आया हूँ, ये भैया सिर्फ आपका डॉग ही सेल करता है, दूसरा कोई पेट्स वगैरह सेल नहीं करता है। तो भैया के पास आप लोग को 100% जेन्युइन ब्रीड मिलेगा एंड भैया खुद ही एक ब्रीडर है, तो भैया के पास बहुत सारे डॉग अभी आप लोग को मिल जाएंगे एंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे क्योंकि भैया का होम ब्रीड डॉग है। आपको देखा नहीं आ गया, एक मिनट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को डॉग्स दिखा देता हूँ, क्या क्या डॉग अवेलेबल है एंड उसके बाद प्राइस भैया से पूछेंगे प्राइस क्या है। প্রথমে ওটা দেখো। পাগ ফিমেল ফুল মার্কিং এ দেখো, গ্রিন কালার। প্রাইস কত এটা? প্রাইস 16,000। এদিকে আছে ডোগারম্যান, আছে লেভার কালার মেল, ল্যাব্রাডর আছে ফিমেল, এটা হেভি বোনের। ডোগারম্যানটা প্রাইস কত? ১৭-১৭ এটা কি কত প্রাইস? এটা এটা তোমার 18,000 দাম আছে। লং কোটের জার্মান শেপার্ড ফিমেল 19,000। লং কোটের জার্মান শেপার্ড প্রাইস কত? 19। বার্গেনিং তো হবে, বার্গেনিং তো হবে, বার্গেনিং হলে অল্প কিছু হবে, বেশি হবে না। সিজু একদম এখানে প্রায় অর্ডারে আছে, আজকে চলে যাবে। আর এটার প্রাইস কত হবে দাদা? সিজুটা 35,000 হবে। জিএসডি ফিমেল, এ জেব্রা জিএসডি ফিমেল একদম। আর প্রাইস কত হবে এটার? এটা 25,000 টাকা। ফুললি ব্ল্যাক না? ফুললি ব্ল্যাক, জেড ব্ল্যাক। মেলটা দেখাচ্ছি আমি, এ বলা হয় মেল, মেল আছে এটা একদম হেভি বনে। আচ্ছা, ব্ল্যাক এন্ড টেন কালার, এটা
ब्लैक एंड टेन कलर मेल बच्चा सब बोलते हैं ब्लैक एंड टेन कलर में ये मेल है जर्मन शेफर्ड का एंड एंटरप्राइज एंटरप्राइज एंड इसका प्राइस है 20,000 ओनली ঠিক আছে আরেকটা কথা বলি খাঁচাগুলো দুটো তিনটা করে কুকুর থাকে কি সেটা দাঁড়াও এক মিনিট এবার বলো আচ্ছা আমাদের কেজের মধ্যে দুটো তিনটে করে থাকে এর জন্য যে ঠান্ডার দিন সকলে একসাথে থাকলে একটু গরম থাকে হিট পায় ঠিক আছে এর জন্য সাইবেরিয়ান হাস্কি ভি ভাইয়া কে পাস অ্যাভেলেবল হ্যায় ইসকা আগ দেখিয়ে আপ লোগ একবার ব্লু আইজ হ্যায় এন্ড ইসকা প্রাইস 40 এন্ড ইসকা প্রাইস হ্যায় 40,000 बार्गेनिंग तो हो जाएगा ठीक है फिर भी आप लोग भैया से साथ बात कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो आप लोग ठीक है सर एनीथिंग अगला इंडियन स्पीच प्राइस को तो अब एगलो प्राइस 5,500 থেকে 6,000 এর মধ্যে থাকবে तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहला बात ये जो है कि ये सारे डॉग जैसे कि आप लोग देख रहे हो एक ही केज में बहुत सारे डॉग्स रखे हुए हैं ठीक है। तो इसका कारण जो है जैसे कि आप लोग को पता है बहुत ज़्यादा ठंड गिरा है इधर पे, तो इसलिए भैया ने एक ही केज में बहुत सारे डॉग्स रखा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है एंड इसके वजह से भैया ने एक ही केज में 3-4 करके डॉग रखा हुआ है क्योंकि उसमें से उन लोग को हीट मिलता है अच्छा खासा। एंड भैया ने ऑलरेडी आप लोग को जैसे बल्ब भी लगा के रखा हुआ है क्योंकि उन लोग को हीट मिले बोल के ठीक है। एंड वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड जिसको भी भैया का नंबर चाहिए कमेंट कीजिए ठीक है। मैं आपको ज़रूर उनका नंबर प्रोवाइड करूँगा एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय टाटा जय हिंद।